बैक अगेन टू मनोज जर्नी। मनोज जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं जयपुर का अल्बर्ट हॉल, जो कि जयपुर का म्यूज़ियम है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जयपुर के राम निवास बाग में स्थित है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का इतिहास 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये अपने ऐतिहासिक और विविध भूगोल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह म्यूज़ियम हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में प्राचीन वस्तुओं और अतीत की कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह है। इस म्यूज़ियम में प्राचीन सिक्के, संगमरमर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, कालीन देखने को मिलते हैं। यहां पर एक आकर्षण का केंद्र है ममी, जो कि मिस्र से लाई गई है, वो भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। अल्बर्ट हॉल की स्थापना 6 फरवरी 1876 को प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान की गई थी। इस इमारत को सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और इसमें एंट्री करने के लिए एंट्री फीस भी है। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में और देखेंगे ममी और कुछ कलाकृतियाँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो पुराने महाराजा वगैरह हैं उनकी यहाँ पे चित्र को बनाया गया है, उनकी ड्राइंग की गई है दीवारों पर, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कैसे सैमुअल स्विंटन जैकब ने अल्बर्ट हॉल का इतिहास करा था। तो अब आप देख सकते हैं अब अल्बर्ट हॉल को अंदर से कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, कितनी अच्छी कलाकृतियां हैं और बहुत ही अच्छा डेकोरेट कर रखा है। तो अब आप देख सकते हैं अल्बर्ट हॉल को अंदर से देखने के लिए उसका जो एंट्रेंस है उसकी दीवार पर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, बारीकी से नक्काशी की गई है जो कि फॉरेनर्स को प्रभावित करती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बारीकी से एकदम प्यारी नक्काशी की गई है, बहुत ही अच्छे से कलर किया गया है, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर मेन एंट्रेंस से, जहाँ पर हम देखेंगे यहाँ की वेपन्स, कलाकृतियाँ और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ और शहनाई, पुंगी, रावण हट्टा और वाद्य यंत्रों को देखेंगे, जो कि लोगों और विदेशी पर्यटकों को लुभाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर भीड़ बनी रहती है और लोग यहाँ पर यहाँ की कलाकृतियाँ, यहाँ की मूर्तियों को देखने आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल की गलियारे में, जहाँ पे हम इजिप्ट एरिया में जहाँ पे है ममी। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आप यहाँ पे चारों ओर देख सकते हैं यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ बनाई हुई है, जिससे कि लोग जो फॉरेन लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे ये मूर्तियों को देखने आते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इजिप्ट एरिया में। ये जो आप देख रहे हैं ये है इजिप्ट एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पे कलाकृतियाँ करी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्क्रिप्ट, जो कि ममी के बारे में लिखी गई है।
तो ये जो आप देख सकते हैं ये है ममी, जिसके ऊपर विशेष रूप का लेप लगाया जाता है, जिससे ना तो हड्डियाँ गलती है और ना ही शरीर गलता है, और इसी के कारण ना ही बॉडी में से गंदी स्मेल आती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्सरे है मम्मी का, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी हड्डियां गली हुई नहीं है, और ये एक्सरे 2011 में किया गया था। तो अब हम जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल के कैफे पार्ट में, जहाँ पर जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तो उनके जो वेपन्स होते थे वो यूज़ करते थे, तो वो यहाँ पे कलेक्शन के रूप में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई है। इस अल्बर्ट हॉल में भारत के कुछ हिस्सों से राजा महाराजा द्वारा यूज़ करी हुई चीज़ें जैसे वेपन्स, स्टैचूज को यहाँ पे कलेक्शन के रूप में रखा गया है। इन्हीं को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और इन्हें देखते हैं। हमारे इस वीडियो में अल्बर्ट हॉल का पूरा वीडियो है, जो कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि अभी आपको आगे अल्बर्ट हॉल की और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम अल्बर्ट हॉल को पूरा देखते हैं।
तो आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो हमारे इस चैनल में नए हैं हमारे चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कॉल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।